अपने हाथों को उठाएं शाबाश, और इसी समय अपनी विनतियों को आज परमेश्वर के सामने रखें, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय प्रभु से बातें करो। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। मांगो आज जो आप मांगना चाहते हैं, जिस बात के लिए आप यहाँ पर आए आज परमेश्वर को बताओ। आज आप किसी डॉक्टर की दुकान पर नहीं आए, आप मेरे परमेश्वर के घर में आए हैं, आप मेरे परमेश्वर के घर में आए हैं। अगर आप विश्वास करते हैं आज आपकी खोई हुई स्माइल वापिस आएगी। आमीन। अगर आप बिलीव कर रहे हैं, आप कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तेरा चुना हुआ हूं, मैं गिरूंगा नहीं परमेश्वर, मैं तेरा चुना हुआ हूं, तू मेरे जीवन में आशीष दे रहे, तू मुझे ब्लेस कर रहा है, मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है, मेरी हड्डियां आशीषित हैं, मेरी मांसपेशियां आशीषित हैं, मैं ब्लेस हूं, मेरा घराना आशीषित है। पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय परमेश्वर हाथ उठाकर प्रार्थना करता हूं, आज कहें परमेश्वर से, आज परमेश्वर आपके ये बोल बोलने पर आपकी आशीषों को खोलेगा। आज कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा पहला योहन्ना 1:9 में, यदि कोई अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर उसे माफ करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप विश्वास करें, वो पहले आप पर विश्वास करता है, वो पहले आप पर बड़ा विश्वास करता है, वो विश्वास करता है कि मेरे बच्चे अब दोबारा से पाप नहीं करेंगे, मेरे बच्चे आज से पश्चाताप करेंगे, मेरे साथ रहेंगे। मेल मिलाप का आत्मा आज परमेश्वर के साथ रखो, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अपने दिल की बात परमेश्वर को बताओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आज जितने लोग इस समय परमेश्वर आपकी ओर हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु जी इनके गुनाह क्षमा कर दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो हमारे भी अपराधों को जानता है परमेश्वर, तो हर एक व्यक्ति के मन की बातों को जानता है मेरे पिता परमेश्वर, तो धर्मी परमेश्वर है। और इस समय पवित्र आत्मा, जो ठटाई के पाप, जो कोई ऐसे पाप परमेश्वर जो छिपे हुए हैं, पवित्र आत्मा जी तू जानता है परमेश्वर, लेकिन पवित्र आत्मा तू अपने लोगों को आज वचन से बताना चाहता है, यदि तुम अपने पापों को मान लो तो मैं आज तुम्हें माफ करने में विश्वास योग्य परमेश्वर हूं तुम्हारा। जो अपने पापों को छिपा कर रखते हैं उसके काम सफल नहीं होते, तेरा कलाम बोलता है परमेश्वर, लेकिन आज हम हृदय की सच्चाई के साथ तेरे सामने आते हैं परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ, हृदय की सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने आओ और इसी समय विश्वास करो। कहीं पर भी अगर शैतान ने आपको खाब दिया है, आज वो भर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य। आज आपके पश्चाताप करने के बाद आत्मा मुझसे कहता है, क्या मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अगर तू आज कहीं खोया हुआ है, अगर आज भटक गया है, तू आज पश्चाताप कर रहा है, मैं आज तेरी जिंदगी में बड़े चमत्कार को करूंगा, मैं तेरी जिंदगी को आज फिर से नया करूंगा। पापी लोग ज्यादा दिन नहीं जीते, सच्चाई से चलने वाले लोग लंबी उम्र जीते हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आप ये ना देखो कि उस व्यक्ति ने पाप किया और वो गाड़ी में घूम रहे, वो घर में अच्छे घर में रह रहे, फॉरेन में रह रहे, लेकिन ये देखो कि वो कितनी लंबी दौड़ दौड़ रहे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को दौड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको किसी के शराब से डरना नहीं है, आपके ऊपर कोई शराब कोई कर्ज नहीं है आज से यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने सच्चा पश्चाताप किया, आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, कोई जुआ तेरी गर्दन पर नहीं आएगा। आत्मा कहता है, मैं तेरी गर्दन के ऊपर से सारे जुए को तोड़ डालूंगा यीशु मसीह के नाम में, तेरी लांतों को आज, तेरी शर्मिंदगी को मैं ले लूंगा यीशु मसीह के नाम में, तेरे हर शराब को मैंने तोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में, तेरी बीमारियों के जुए को तोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, आज अंगीकार करो, तेरे कोड़े खाने से प्रभु चंगे हुए। मैं आज धर्मी जन बनना चाहता हूँ, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ, शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ। आत्मा कहता है, अगर तुम आत्मिक बनना चाहते हो तो आज अपने हाथों को उठाओ और आज कहो, अंगीकार करो और विश्वास करो, परमेश्वर ने तुम्हें फिर से नया कर दिया यीशु मसीह के नाम में। तुम पलट कर देखोगे, तुम अपनी आशीषों को फिर आता हुआ देखोगे। आत्मा कहता है, किसी के बजाय मत पूछो, कोई लालटेन बुझा रहा है लेकिन तुम्हारा पश्चाताप करने का हृदय है। परमेश्वर बोलते हैं, करे कि तू अपने भाई को 70 बार भी क्षमा कर, लेकिन अगर आज आप
परमेश्वर के हृदय को जानते हो, अगर आपका मन शैतान आपको बार बार घाव दे रहा है, नहीं परमेश्वर तुझे क्षमा नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप सच्चे हृदय के साथ आए हो, परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कह रहा है अगर तेरा भाई गलती करे 70 बार भी उसको क्षमा कर। तो अगर आज परमेश्वर आपको एक इंसान को कह रहे हैं तो वो भी आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। शमसी के नाम में पवित्र आत्मा से बातें करो और पवित्र आत्मा को कहो, अपने मुंह खोल कर कहो, सब पुकारे परमेश्वर को, आज बताओ अपने दर्द को, अपनी समस्याओं को, अपनी मजबूरियों को, अपनी लांतों को, आज जो भी कोई आज तुम्हें अंदर घाव दे रही है आपके हृदय के अंदर, इसी समय टूट जाओ परमेश्वर के सामने। पवित्र आत्मा से कहो, पवित्र आत्मा मैं समय परमेश्वर बीमारी में नहीं रहना चाहता, पवित्र आत्मा मैं घट्टी में नहीं रहना चाहता, मैं कर्जे में नहीं रहना चाहता, मैं मुसीबतों में नहीं रहना चाहता, मैं बाहर आना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं बाहर आना चाहता हूँ। सच में दाऊद ने पश्चाताप किया, बाहर आया। मैं कह रहा हूँ आज कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं बाहर आना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा तुम्हें खड्डे में रखना पसंद नहीं करता, परमेश्वर तुम्हें बाहर लेकर आएगा खड्डे में से। दानियल को खड्डे में से बाहर लाया, आपको भी खड्डे में से बाहर लाना चाहता है, वो आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है। आज के दिन से पवित्र आत्मा बोलता है, कलाम बोलता है, मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा चर्च यीशु मसीह के नाम में। आज के दिन से परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जिस समय मेरे प्रभु मैं उन लोगों की ओर हाथ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, के जिन लोगों ने सच में इस समय हृदय के साथ इस मिस्त्री के लिए दुआ किया, हृदय के साथ तेरे दास के लिए दुआ किया, हृदय के साथ जिन्होंने आज पश्चाताप किया और हाथ उठाकर परमेश्वर ऑनलाइन भी चर्च में बैठे हैं परमेश्वर, अपने बच्चों के लिए मांग रहे हैं, अपने परिवार के लिए मांग रहे हैं, मेरे प्रभु मैंने दिल से आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई भी आज खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर, इनकी आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए, रिलीज होने पाए, रिलीज होने पाए, आज बड़े छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज जैसे तुम हो वैसे नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। प्रोफेटिक वर्ड्स आज आपकी जिंदगियों में काम करेंगे, हर एक आशीष काम करेगी यीशु मसीह के नाम में। आत्मा कहता है मुझसे, कह रहा मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा यीशु मसीह के नाम में। तुम बहुत सारे लोग जो मुझे दिल्ली पंजाब से, उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड से, हरियाणा से देख रहे हैं, आपके लिए भविष्यवाणी है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आज से ज्यादा बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके घर में कोई नशा करता होगा, आज के बाद ये भविष्यवाणी है, किस दिन के बाद तुम मिराकल देखोगे अपने घर में यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा प्रार्थना करने का लेवल बढ़ेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे ऊपर अनॉइंटिंग बढ़ेगी, स्पिरिचुअल हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है और ये अभिषेक आज से काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जो लोग इस बात के लिए मांग रहे हैं परमेश्वर के मैं स्पिरिचुअल हो जाऊं, याद रखना उन लोगों को गवाहियां मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी गवाहियां उनके पीछा करती हैं। आपको सिर्फ आपको यह कहना है कि परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअल बना, मैं आज से प्रार्थना करने वाला योद्धा बनूं, मैं आज से स्पिरिचुअल हो जाऊं, मैं परमेश्वर पाप का जीवन ना जीऊं, न तेरे पीछे चलूं। आपको आपको वाच कर रहा है कोई, आज से एक एंजल वाच करेगा स्वर्ग से और आज उन शैतानी ताकतों को आपके जीवन से दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा पहला योना 5:18 में कि जो लोग सच्चाई के साथ भक्ति करते हैं परमेश्वर की और पाप को छोड़ देते हैं, शैतान उनको छूने भी नहीं पाता। कितने लोगों को लगता है कि शैतान ने मेरे बिजनेस को छू रखा है, मेरी हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को, लीवर को छू रखा है, कोई बीमारी कोई समस्या है, लेकिन इस वचन का अंगीकार करो और बार बार बोलो कि शैतान तो मुझे छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अब पाप के साथ नहीं यीशु के साथ हूँ, मैं सच्चाई के साथ हूँ। और इसी समय यह अगली आशीष चर्च आमीन बोलने वालों की यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में।